बोकारो जिले के सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड के जारंगडी रेलवे साइडिंग में फायरिंग कर दहशत फैलाने और पोस्टरबाजी कर पुलिस को गुमराह करने के मामले में 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है और इनके पास से घटना में इस्तेमाल किए गए हथियार और मोटरसाइकिल भी बरामद किए गए हैं। जारंगडी रेलवे साइडिंग में फायरिंग और पोस्टरबाजी की घटना के बाद बता दें कि दहशत का माहौल था। इस पूरे मामले को नक्सली वारदात के तौर पर जोड़कर देखा जा रहा था, लेकिन पुलिस ने इस मामले की जांच करते हुए न केवल इस आपराधिक घटना का पर्दाफाश कर दिया बल्कि इस कांड में संलिप्त 6 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार भी कर लिया। पकड़े गए अपराधियों के पास से सेमी ऑटोमेटिक पिस्तौल, कारतूस, वारदात में प्रयुक्त मोबाइल और वारदात में प्रयुक्त बिना नंबर के मोटरसाइकिल बरामद की गई है। ये दिनांक 27 दिसंबर को लास्ट मंडे को रात में करीब 9:30 से 10 बजे के बीच में 8 से 10 हथियारबंद वर्दीधारी अपराधी आए थे बोकारो थर्मल थाना के जरंगी साइडिंग में, जहां CCL का रेलवे साइडिंग है। वहां पे 8 से 9 अपराधी आए थे और उन्होंने फायरिंग की और कुछ पोस्टर चिपकाया गया था NSPM के नाम से। उस संदर्भ में थर्मल थाना में FIR रजिस्टर किया गया था, उसको लेके एक SIT बनाई गई थी SDPO बेरमो के नेतृत्व में, जिसमें कि थाना प्रभारी थर्मल, थाना प्रभारी बेरमो, सर्कल इंस्पेक्टर बेरमो और अन्य पदाधिकारी शामिल थे। उसके बाद कुछ सूचना प्राप्त हुई थी मुझे और पुलिस उपाधीक्षक महोदय को भी कि ये बगोदर और विष्णुगढ़ जिले के कुछ अपराधी हैं जिन्होंने बोकारो जिले के कुछ अपराधी के साथ मिलकर इस कांड को अंजाम दिया। इसमें पहली अरेस्टिंग 3 तारीख को यानी कि कल एक अपराधी की हुई, जिसका नाम वकील अंसारी है जो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। उत्तर प्रदेश में भी उस पर कुछ केसेस जो अभी तक हमारे रिकॉर्ड में आए हैं, अलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट के कुछ केसेस उसके उस पर वांटेड है। उसकी गिरफ्तारी के बाद उसने कन्फेस किया कि वो भी इसी ग्रुप में शामिल है लेकिन इस घटना में उसकी संलिप्तता नहीं है। फिर उसने कुछ नाम हम लोगों को बताया, उस बेसिस पे फर्दर रेड किया गया। रेड करने के बाद जो एक प्राइम एक्यूज्ड हमारे केस में बीरबल सिंह उर्फ निखिल सिंह उर्फ कटप्पा, जो कि लोकल लाइजनर के तौर पे PO पे पुलिस के प्रेजेंस को देखने के लिए और अन्य फोर्स का प्रेजेंस है कि नहीं है, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्यूज इस केस का है, और इसके पास से एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल और मैगजीन रिकवर हुआ है। फिर इसके कन्फेशन के बाद हम लोगों ने 3 और अपराधी किए, बंटी साहू जिसका कि बाइक यूज हुआ है इस क्राइम में, संजय साहू और अजमत अंसारी। अजमत अंसारी का रोल यह भी था कि वो उसने प्रयास किया था कि इस अपराधी घटना को एक दूसरा रूप दिया जाए कि हम गरीब शोषित वर्ग के लिए लड़ रहे हैं, जो पोस्टर में दिखा भी होगा आप लोगों को। उसके बाद फिर कल ही यानी कि 3 तारीख को विष्णुगढ़ थाना हजारीबाग से एक अपराधी की अरेस्टिंग हुई इसी केस में, दीपक कुमार महतो। तो कुल मिला के 5 अपराधी, कटप्पा सबसे पहले, फिर 3 और लोग हुए 4, और दीपक कुमार महतो हजारीबाग से गिरफ्तारी। तो कुल 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें बाइक जो यूज़ हुआ है वो रिकवर हुआ है, जो मोबाइल फ़ोन उन्होंने यूज़ किया है वो रिकवर हुआ है, जो वेपन यूज़ किया है वो रिकवर हुआ है। तो कुल मिला के 5 लोगों को, इनका मकसद एक्सटॉर्शन का ही था, इसको वो लोग अलग रूप दे रहे थे। न्यूज विंग के लिए बोकारो से मनोज शर्मा की रिपोर्ट।